आपको प्लेबैक सिंगर और बॉलीवुड के एक लेजेंडरी सिंगर यानी कि कृष्णा कुमार कुनाथ के बारे में बताएंगे, जिनको शॉर्ट फॉर्म में केके कहा जाता था। और ये एक ऐसे सिंगर थे बॉलीवुड के जिसने जो 3 डिकेड से फैंस के दिलों की जान थी, और फैंस का कहना था कि हमारा बचपन हमारा जवानी केके के गाने सुनकर ही अब तक जवान हो। बहुत सारे ऐसे गाने लिखे लेकिन खैर उन्होंने म्यूजिक में ही अपनी जान हार दी। लास्ट ट्यूजडे को उन्होंने कलकत्ता में एक ऐसा कॉन्सर्ट किया जो कि बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट तो हुआ, और आखिरी सॉन्ग जो उस कॉन्सर्ट में उन्होंने गाया वो यही था कि हम रहे या ना रहे हम कल जरूर याद आएंगे। एक ऐसा सॉन्ग था वाकई उनका आखिरी सॉन्ग था। और उसके बाद वो जैसे ही अपने होटल गए और होटल जाने के बाद उनको जैसे ही थोड़ा सा अपने दिल में दर्द महसूस हुआ, वो फौरन से उनको सफर बहुत ज्यादा बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल जैसे ही लेके गए तो हॉस्पिटल से ये इतला आई कि ही इज डेड, और ये बहुत ज्यादा बुरी खबर थी। क्या आप अपने घर वालों के पास भी नहीं है, ना ही आपकी कोई भी ऐसे फैमिली मेंबर आपके पास है, और आप होटल में इनके कलकत्ता में सिर्फ कॉन्सर्ट करने के लिए आए हैं। वहाँ कॉन्सर्ट में ही बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे एकदम से शदीद, लेकिन खैर वहाँ से बिल्कुल सही सलामत घर गए। इनका लास्ट कॉन्सर्ट था जिसका लास्ट गाना भी यही था, हम रहे या ना रहे हम जरूर याद आएंगे। और एक ऐसा हार्ट टचिंग वार्मिंग मोमेंट है। फैंस का कहना है कि अभी 2 दिन पहले तो सिद्धू मूसेवाले को हमने खोया था, म्यूजिक के एक लेजेंडरी एक्टर को, और एक और म्यूजिक के लेजेंड को हमने खो दिया है। और म्यूजिक की दुनिया के ये 2 ऐसे लेजेंड हैं जिनका नुकसान शायद सदियां भी लग जाएं तो हम भर ना सके, ना ही ऐसा टैलेंट दोबारा हमारे पास आए। इनकी एज 53 थी जिस एज में ये चले गए, लेकिन खैर बताते चले इनके बारे में तो ये बिल्कुल ठीक ठाक कॉन्सर्ट कर रहे थे। कॉन्सर्ट में भी इन्होंने सही धमाल शमाल का कॉन्सर्ट किया। फैंस और एक बहुत बड़ी आवाम थी इनके कॉन्सर्ट में जो कि लास्ट कॉन्सर्ट था, और शायद किसी को भी नहीं पता था कि इनका लास्ट कॉन्सर्ट होगा। इस कॉन्सर्ट के बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। व्यूअर्स आपको इनके बारे में सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।